hello dear students i am your teacher from your ss convent school how are you all students i hope all of you good okay students so i am here to teach you gk so this is for class 7 so we will subscribe our channel and press the like button so students let's start the chapters सो वी हैव कंप्लीटेड यूनिट फर्स्ट ऑल चैप्टर्स लाइक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड चेक योर स्किल्स आल्सो कम्प्लीटेड सो टूडे वी विल लर्न अबाउट द यूनिट सेकेंड द यूनिट सेकेंड इज लिटरेरी वर्ल्ड यानी साहित्य की दुनिया लिटरेरी वर्ल्ड सो द फर्स्ट चैप्टर इज़ नेम इन इन रिच योर वेकूबेलेरी आपको अपनी शब्दावली को वैकुबलेरी को बढ़ाना है इनरिच करना है उसको बढ़ाना है तो ओम आई स्टूडेंट्स चलिए आगे पढ़ते हैं वाट डू वी मीन वेन वी कॉल समाई दीज नेम्स हम क्या समझते हैं जब हमें कोई अन्य नाम से बुलाता है तो फिल इन द फिल इन द गैप गैप्स ये गैप्स को आपको फ़िल करना है सो माय डियर स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे महात्मा गांधी थे इनको अन्य किस नाम से हम जानते थे बापू राष्ट्रपिता और कई ऐसे लोग थे जिनके अन्य कई नाम से भी फेमस थे तो इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ नाम दिए हैं गए हैं और इनके कुछ अलग नाम भी हैं जिनको हमें पढ़ करके भरना है बॉक्स की मदद से तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट पहला है एन अमेज़न एन अमेजन जो है माय माइडेस्टूडेंट ये एक वैरियर लेडी थी योद्धा ओमेन थी तो ये जो है माय माइडेस्टूडेंट इनको आप ऑनलाइन कंपनी भी है एक एन अमेज़न के नाम से तो आप आज तक इसको ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से ही जानते थे लेकिन इधर इनका एक अन्य नाम था जो है वो वारियर लाइक वोमेन था सो so, हम यहाँ पर वैरियर लाइक ओमेन भरेंगे एंड अमेजन का जो अन्य नेम था वो वैरियर लाइक ओमेन था नेक्स्ट की बात करें ए मैकेया वैली मैकेया वेली भी थे ये जो है डियर स्टूडेंट एक ये एक सेमलेस पर्सन थे एक अभद्र टाइप के इंसान थे तो इनको अनस्क्रूपलस बोला जाता था डियर स्टूडेंट अनस्क्रूपलस इनको बोला जाता था सो so, काफ़ी बेशरम टाइप के इंसान थे मकैयावली तो इनको अनस्कूप प्लस भी बोला जाता था थर्ड की बात करें माई डी स्टूडेंट तो थर्ड था गॉर्गन गॉर्गन जो है वो गॉर्गन मीन्स होता है माई डी स्टूडेंट कुरूपा स्त्री मतलब जो दिखने में अच्छी ना हो भयावन हो डरावनी हो तो इनको हॉरेबल ओमेन बोला जाता था माई डी स्टूडेंट यहाँ पर आप हॉरेबल ओमेन आपको भरना है सो गोरगन जो है वो हरेबल ओमन अन्य नाम से इनको जाना जाता था फोर्थ की तरफ हम चले सैमसंग जो सैमसन थे स्टूडेंट ये काफ़ी स्ट्रांग थे सैमसन माने ही होता है पहलवान स्टूडेंट तो इनको अन्य नाम से भी जाना जाता था वेरी स्ट्रांग यहाँ पर वेरी स्ट्रांग आप भरेंगे वेरी स्ट्रांग बहुत ही मजबूत थे तो सैमसन जो है इनको अन्य नाम वेरी स्ट्रांग से बोला जाता था फिफ्थ की बात करें आइस्क्रूज स्क्रूज जो थे माय डियर स्टूडेंट स्क्रूज माने ही कंजूस होता है माय डियर स्टूडेंट तो ये ये जो है माइज़र थे काफ़ी माइज़र माने भी कंजूस होता था तो इनका एक अन्य नाम था माइज़र नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं सिक्स है आपका डेनियल सो तो जो डेनियल थे माय डियर स्टूडेंट ये काफ़ी अच्छे न्यायकर्ता थे जज थे तो इनको अ ग्रेट जज की संज्ञा दी गई है मतलब बहुत ही महान न्यायकर्ता थे तो इनको ग्रेट जज की संज्ञा दी गई है जो इनका अन्य नाम था मिसिस ग्रैंडी मिसिस ग्रैंडी जो है डियर स्टूडेंट ये काफ़ी प्रूदिस थी काफ़ी नखरेबाज थी तो इनको प्रूदिस नाम दिया गया है पी आर यू डी आई एस एच काफ़ी नखरेबाज थी काफ़ी घमंडी टाइप की थी तो इनको प्रूदिस नाम से जाना गया सो so, एट्थ की बात कर लेते हैं एन ओपोलो एन अपोलो जो है माय डियर स्टूडेंट ये काफ़ी परफेक्ट फिजिक थे मतलब इनकी जो शारीरिक बनावट थी वो काफ़ी अच्छी थी तो इनको विथ परफेक्ट फिजिक से जोड़ा गया है यहाँ पर विथ आपका दिया गया है विथ परफेक्ट फिजिक से इनको जोड़ा गया है सो विथ परफेक्ट फिजिक मतलब बहुत ही अच्छी जो सरा शारीरिक बनावट थी अपोलो की वो बहुत ही अच्छी थी तो इनको विथ परफेक्ट फिजिक्स की संज्ञा दी गई नाइन्थ की बात कर लेते हैं एन अडोनिस जो एन अडोनिस थे माई डर ये वेरी हैंडसम मैन थे तो इनको बहुत ही सुंदर थे बहुत ही हैंडसम थे तो इनको हैंडसम की संज्ञा दी गई वेरी हैंडसम मैन तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेरी हैंडसम मैन टेंथ की बात कर लेते हैं अजेबल जेजेबल थी ये अमोरल ओमेन थी अनैतिक ओमेन थे तो इनको अमोरल की संज्ञा दी गई माई डियर स्टूडेंट तो यहाँ पर आप लिखेंगे अमोरल ओमेन तो इस तरीके से हमने आ, पढ़ा यहाँ पर क्या कि जो है इन लोगों के अन्य कई नाम थे जो हमने पढ़ा और हमें जानकारी मिली अदरवाइज़ हमें पता नहीं था कि जो है क्या आ, इनके अन्य नाम होते हैं तो इस तरीके से माई डी स्टूडेंट हर एक चैप्टर से हमको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं कुछ ना कुछ अच्छा जानने को मिल रहा है तो आप इसको ज़रूर पढ़िए माई डी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे चैप्टर्स हैं ज्ञान देने वाले चैप्टर्स हैं जो आगे आपको बहुत ही अच्छे काम देने वाले हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आपके टीचर्स आपकी टीचर समस्या का समाधान तुरंत करेंगे डियर स्टूडेंट सो अगर आगे की बात करते हैं सो डियर स्टूडेंट सो so, इधर हमने बहुत ही अच्छी चीज़ें पढ़ी एन अमेज़न को आज तक हम एक ऑनलाइन शॉपिंग की मार्केटिंग ही जानते थे लेकिन आज हमने पढ़ा कि एन अमेज़न को जो है वो वेरियर ओमेन भी थी इस नाम से भी जाना जाता था सो so, इस तरीके से हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर ग्रहण की सो एम आई स्टूडेंट जो है नेक्स्ट पार्ट जो है अभी कुछ बचा हुआ है मैज द फॉलोइंग तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी तो आप नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए मई टी स्टूडेंट